नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दो दिन की तैयारी से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और प्रत्याशी के चयन के लिए कई दौर के सर्वे रिपोर्ट का सहारा लिया जाता है। पार्टी ने 90 में से 83 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। वहीं टीएस सिंहदेव ने बगैर नाम लेते हुए नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी से जिनके जुड़े रहने की भावना है उन्हें पार्टी आलाकमान का निर्णय मानना चाहिए। विधायकों की टिकट काटने पर उनकी नाराजगी पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस से जुड़ने की जिनकी भावना है उनको कांग्रेस हाईकमान का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और कांग्रेस परिवार के दायरे में बने रहना चाहिए। वही व्यक्तिगत बातें अलग होती है कि मैं की बात होगी तो फिर वो पार्टी की बात नहीं रह जाती। चर्चाएं कई प्रकार की होती है, अपवाद भले हो, लेकिन इस बार की प्रक्रिया में मैंने देखा है कि जो निर्णय हुए हैं ये व्यक्तिगत किसी की राय से बहुत कम और अमूमन सर्वे कराए गए हैं। सघन सर्वे कराए गए हैं, अनेकों एजेंसी के माध्यम से सर्वे कराए गए हैं और उस सर्वे में जो बातें सामने आई हैं उसके आधार पर निर्णय हुए हैं। पूरे 90 विधानसभा सीटों में लगभग यही स्थिति है। नाम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची आई है, 83 लोगों के नाम घोषित हुए हैं, 7 लोगों के नाम बाकी हैं। चुनाव के संदर्भ की तैयारी 2 दिन की नहीं हो सकती। एक चुनाव बीता है तो अगले चुनाव की तैयारी चालू हो जाती है। जो आप काम करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, ये सतत प्रक्रिया बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि अब चुनाव आ गया तो नया काम चालू होना है। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए अब अंतिम समय प्रबंधन का है, तो प्रबंधन के लिए सभी साथ में बैठ के जिम्मेदारियां अपने अपने क्षेत्र में इकाइयों की, पोलिंग बूथ की लेंगे। कांग्रेस से जुड़ने की जिनकी भावना है तो उनको कांग्रेस हाईकमांड का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और कांग्रेस परिवार के दायरे में बने रहना चाहिए। व्यक्तिगत बातें अलग होती हैं कि मैं तो मैं की बात होगी तो फिर वो पार्टी की बात नहीं रह जाती। चर्चाएँ कई प्रकार की होती हैं, अपवाद भले हों, लेकिन इस बार की प्रक्रिया में मैंने देखा कि जो निर्णय हुए हैं ये व्यक्तिगत किसी की राय से बहुत कम और अमूमन सर्वे कराए गए हैं, सघन सर्वे कराए गए हैं, अनेकों एजेंसियों के माध्यम से सर्वे कराए गए हैं और उस सर्वे में जो बातें सामने आई है उसके आधार पर निर्णय हुए हैं। पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में लगभग यही स्थिति है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते अधिकांश प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र लिया। इसके साथ ही दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में पूरी तरह से बैरिगेट लगाकर सभी 6 विधानसभा प्रत्याशियों द्वारा फॉर्म जमा कराने कक्ष तैयार किए गए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भारत सरकार, निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन ने सभी विधानसभा प्रत्याशियों के लिए नामांकन फॉर्म लेने की तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके चलते दुर्ग कलेक्ट्रेट के पीछे माइनिंग विभाग में बने निर्वाचन ऑफिस में प्रत्याशियों के लिए फॉर्म लेने की सुविधाएं की गई है। आज पहले दिन बड़ी संख्या में पहुंचे सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों सहित क्षेत्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म लिया। पहले दिन पौनी पसारी समाज के बैनर तले निर्दलीय प्रत्याशी विनोद सेन ने दुर्ग शहर से नामांकन पत्र लिया, तो वहीं अहिवारा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल कोसरे ने भी लिया। वहीं गृह मंत्री रामधास साहू के लिए केशव बंटी हरमुख ने नामांकन पत्र लिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से दुर्ग शहर से डॉक्टर एस के अग्रवाल और सुमित शर्मा और दुर्ग ग्रामीण से लक्ष्मी वर्मा और संजीत विश्वकर्मा ने अपने नाम के फॉर्म लिए। इसको लेकर नामांकन पत्र लेने पहुंचे प्रत्याशियों ने मीडिया के बीच प्रतिक्रिया दी। शहर की दशा दिशा तो आप लोग भली भांति जानते हैं, आप लोग पत्रकार जन हैं, आप लोगों से कोई चीज छुपता नहीं है। दुर्ग शहर की दशा क्या है यह बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही दुर्दशा है। चाहे हाट बाजार देख लें, सड़कों को देख लें, निचली बस्तियों की दुर्दशा को देख लें, स्कूलों को माध्यम को देख लें। और तो ठीक है, बघेल साहब ने आत्मानंद स्कूल खोल दिया है तो कुछ तो सुधार आया है, पर उसके बावजूद पटरी पार क्षेत्र की एक भी स्कूल में कोई सुधार नहीं है, वहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल की दशा बिगड़ी हुई है। और इन सारी दशाओं को देखते हुए पौनी पसारी समाज सदैव छला गया है सभी पार्टियों से। इसलिए पौनी पसारी समाज ने यह निर्णय लिया
कि हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे और पौनी पसारी समाज मिल करके विनोद सेन को जिताएंगे और विधानसभा तक भेजेंगे। मैं ध्रुव ग्रामीण विधानसभा से, आम आदमी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इस बार ध्रुव ग्रामीण विधानसभा में जो जनहित की ढेर सारी समस्याएं हैं, बहुत जो कि हमारे आगे आने वाले गारंटी पत्र में शामिल होंगी, उन सारी गारंटी पत्र को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जिस जमीनी स्तर पर हमने काम किया है, जो जनता की सुख सुविधाओं को और उनकी उनके हित में होने वाले सारे काम को ध्यान में रखते हुए जो काम एक विधायक के माध्यम से होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है, इस काम को पूरा करने के लिए इस बार ध्रुव ग्रामीण में जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और लोगों ने इस बार मन बनाया हुआ है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मुझे एक प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने का एक संभावना बहुत ही प्रबल बनी हुई है। जहाँ तक कि सामने बहुत से लोगों का कहा यह जाता है कि गृह मंत्री जो हैं सामने हैं चुनाव में, तो गृह मंत्री वो थे, अभी फिलहाल वो एक आम इंसान है और एक जैसा कि एक मैं प्रत्याशी हूँ उससे ज़्यादा उनका भी कोई बहुत बड़ा कद नहीं है। और जनता के अगर सेवक हैं तो लोगों के बीच में अपनी गृहमंत्री वाली छाप छोड़कर एक आम विधायक की तरह, जैसे कि एक विधायक को काम किया होना चाहिए अपने विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो रिसाली नगर निगम की बात हो या फिर ध्रुव ग्रामीण विधानसभा के सारे 59 गाँव की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में जो उन्होंने काम किया उस काम के दम पर इस बार वोट मांगकर जनता से अपनी जीत दर्ज कराकर दिखाएं, एक बार जाएं लोगों के बीच, एक बार सीना तान के बोलें कि मैंने काम किया है तो वोट दें। अगर ऐसा वो शब्द बोल सकेंगे तो हम समझेंगे कि उन्होंने काम कुछ किया है। लेकिन जहां तक कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात की, जो मुख्य सड़कें थी जिन्हें लगातार हमेशा बनाने का प्रयास किया गया, जो अभी तक सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, जो सड़कें बनी हैं उनके निर्माण की क्वालिटी जो है बहुत ही घटिया किस्म की है, इन सारी जो बातें हैं जनता ने बहुत अच्छे से देख ली हैं, लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है कि इन्होंने किस हद तक भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार किया है। इस बार जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस हो या भाजपा दोनों को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प लिया हुआ है, जो आप वहां के लोगों के बीच जाएंगे ये आपको समझ में आएगा। हमारे यहाँ के विधायक महोदय जो हैं एकदम निष्क्रिय हैं और पिछले समय से जो वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, मतलब उनके अलावा दुर्ग शहर में कोई चुनाव लड़ने के लिए कोई नेता कांग्रेस का है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना भ्रष्टाचार आज की तारीख में 15 साल में बीजेपी ने जितना भ्रष्टाचार किया था, उस 15 साल के भ्रष्टाचार को देखेंगे उसके तुलना में ये 5 साल के भ्रष्टाचार को देखेंगे तो 15 साल का भ्रष्टाचार फेल है जो 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ। इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना ही मेरा एक उद्देश्य है और सेकंड नंबर सबको स्वास्थ्य और सबको शिक्षा, ये सबका अधिकार है, हर आदमी का अधिकार है और ये मिलना चाहिए। बस इसी संघर्ष के साथ हम लोगों ने फॉर्म लिए हैं और ये विधायक महोदय को बिल्कुल, जनता खुद बोलती है कि आप खाली फॉर्म भरो सर, जिताने की जवाबदारी हमारी। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव में भाग लेगी। जहाँ तक दुर्ग शहर की बात है, दुर्ग शहर में आप जान रहे हैं कि एक टोटली निष्क्रिय विधायक हमारे पास हैं और एक जो पार्टी जो डिक्लेयर की इसको कोई जानता नहीं है। इस बार हम लोग यहाँ पे जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे, हमारा लगातार सर्वे कार्य जारी है और हमें ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है, जनता का ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और वो बोल रहे हैं कि आप लोग बस फॉर्म भर दीजिए, बाकी जिताने की जिम्मेदारी जनता की है। इस बार प्रत्याशियों की सूची कल या परसों आ जाएगी। देखिए ऐसा है कि जो वैशाली नगर विधानसभा में जो प्रत्याशी घोषित हुआ है उस प्रत्याशी का पूरी पार्टी ने विरोध किया था और उस विरोध के बाद भी पार्टी द्वारा उसे घोषित किया गया। इसके विरोध में सारे कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर मैंने भारतीय जनता, हमारे वैशाली नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से श्री रिकेश सेन जी को प्रत्याशी बनाया गया है। जब सूची लीक हुई थी पार्टी के द्वारा, उसके बाद से पूरी पार्टी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर पूरी पार्टी ने, सारे लोगों ने पुरजोर विरोध किया था और उस विरोध के बाद भी उनको टिकट दी गई है और उसे हम सब अस्वीकार करते हुए आज सभी कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी से द्वारा जो है फॉर्म लिया गया है और हम सब ने बार बार मांग की है केंद्रीय नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से कि पुनर्विचार करके बी फॉर्म बदल दिया जाए। और हम सब कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में 5 बी फॉर्म बदले गए हैं उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी बी फॉर्म बदला जा सकता है, इसको लेकर के हम सभी कार्यकर्ता आशान्वित हैं। देखिए पिछले 100 साल पहले जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर जो कोसानगर है, कोहका है, कुरूद है, वो चारागाह था और यादव बाहुल्य क्षेत्र है और बहुत भारी संख्या में यादव समाज के लोग निवास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे स्वर्गीय हेमचंद यादव जी थे, जब दुर्ग शहर विधानसभा से वो चुनाव लड़ते थे,
तो वैशाली नगर विधानसभा के यादव समाज को साथ लेकर के वो कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण बोरा के पिताश्री मोतीलाल बोरा जी को जो है पराजय कराते थे। तो पूर्ण मुझे विश्वास है कि वो सारे लोगों का समर्थन मेरे साथ है और इस बार जो है जीत जो है हमारी ही होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे का सघन जनसंपर्क शुरू हो चुका है। भिलाई नगर के सभी वार्डों में प्रेम प्रकाश को लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट मिलने के उपरांत पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा भिलाई नगर के समूचे वार्ड में सघन जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी गई है। सभी वार्डों में प्रेम प्रकाश पांडे का भव्य स्वागत वार्ड वासियों द्वारा किया जा रहा है। प्रेम प्रकाश पांडे के साथ जनसंपर्क में महिलाओं और पुरुषों का बड़ा समूह भी साथ चल रहा है। अपने जनसंपर्क के दौरान विधायक प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए जनहित में किए गए कार्यों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। जनसंपर्क अभियान के तहत पूर्व कैबिनेट मंत्री और भिलाई नगर भाजपा के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे हुडको पहुंचे। हुडको में प्रेम प्रकाश पांडे का गाजे बाजे और आतिशबाजी के बीच एक बड़े जनसमूह द्वारा स्वागत किया गया। यहां प्रेम प्रकाश पांडे ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। जनसंपर्क अभियान की जानकारी विधायक प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने दी। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो पिछले 2 साल में काम किया है, गरीब कल्याण का जो काम किया है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड दिया है, चाहे गरीबों को कोविड में पूरे देशवासियों को फ्री वैक्सीनेशन किया है, यहाँ से लेके देश का मान सम्मान बढ़ाने चंद्रयान तक और देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में 5वें स्थान पे पहुंचाने से लेकर के राम मंदिर, धारा 370, आपके 3 तलाक से लेकर महिलाओं के आरक्षण तक, वार मेमोरियल से लेकर के जो एक्स सर्विस मैन है उनके पेंशन वन रैंक वन पेंशन के स्कीम तक, तो सारा जो उन्होंने काम किया, एक उनका आधार लेके, दूसरा पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने 1 रुपया में गरीबों को चावल दिया। भाजपा की सरकार में किसानों को 0% इंटरेस्ट पे हमने लोन दिया। लगभग किसानों के 4.5 लाख पंप एनर्जाइज किए, मजदूरों की उनकी उचित मजदूरी मिले इसके लिए व्यवस्था की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से उनको जोड़ा गया, छात्रों को पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जामिनेशन फीस में 50% की छूट हम लोगों ने दिया, पूरे यूनिवर्सिटी चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हो, हेमचंद दुर्ग विश्वविद्यालय हो, लॉ यूनिवर्सिटी, IIT, ये जहाँ तक लाया गया वहीं 100 रुपये में लकड़ी हिंदुओं को और 100 रुपये में मुसलमानों को पटरा और 100 रुपये में ही ईसाइयों को अंतिम संस्कार के लिए कफन बक्स देने की व्यवस्था करने के साथ नगर निगम के कर्मचारियों के नियमितीकरण, प्रोफेशनल टैक्स की समाप्ति, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, आपके सारे गार्डन्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये सब निर्माण के साथ ही साथ पूरे 5 साल में जो कांग्रेस ने इस भिलाई की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। दशा इतनी ख़राब कर दी है कि आज जितने ओपन प्लेसेस हैं वो सारे नशे के अड्डे बन चुके हैं। कोई शरीफ आदमी उसे टोकता नहीं है, जो टोकता है उसके साथ अभद्रता से लेकर के मारपीट और कई बार तो उसी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करके अंदर भी कराया जाता है। नशा शराब तो शराब, अब ब्राउन शुगर का नशा जो है वो नौजवानों के बीच हो रहा है। पांडे जी, आप 4 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं, चाहे मामला अंडरब्रिज का हो जो कि उस समय की महती आवश्यकता थी, चाहे वो IIT का मामला हो, चाहे वो तालाबों का सौंदर्यीकरण का हो, आपने हर क्षेत्र में काम किया। ऐसे कौन से काम ऐसा बाकी रह गए जिनकी जो अभी विधायक के क्षेत्र में जनता के लिए आवश्यक है?
देखिए अलग अलग जगह के अलग अलग मांग है, लेकिन पहली मांग तो लोगों की यह है कि जो IITN की यहाँ पहचान थी उसको अब महादेव ID की पहचान भिलाई की बन रही है, इसको समाप्त करना है। दूसरा जो है यहाँ के बहुत से बच्चे जो मेट्रो जा रहे हैं तो एक यहाँ पर टेक्नो हब की ज़रूरत है, तो उस टेक्नो हब को बनाने के लिए भिलाई में हम लोग कोशिश करेंगे कि टेक्नो हब हो जिससे जो बच्चे हैं वो बाहर न जाए। BSP के लोगों की अपनी अलग मांग है, जो लोग लीज के नाम से धोखा दिए छठा फेज आएगा, लीज तो नहीं आया। आज जो है लोग वहाँ लाइसेंस की मांग कर रहे हैं कि लाइसेंस जो है वो पूरा 650 का हो। ऐसी परिस्थितियों में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मांग है, और जितने काम जो बचे हुए हैं, मतलब काम तो कुछ नहीं हुआ यहाँ तक है कि आप कहीं जाओ तो कचरा नहीं साफ हो रहा है, वहाँ तक की शिकायत है। पाइपलाइन नहीं जोड़ा गया है, वहाँ तक की शिकायत है। हैंडपम्प लगा है ऊपर से, पिछले कई सालों से चल नहीं रहा है। लोहा चोरी इतनी है कि गीला कपड़ा कुर्सी से उतार के रख के और कुर्सी तक चुरा ले जा रहे हैं। कचरा कंटेनर जो हम लोगों ने लगाया था वो तो हुआ ही, पाइप के ऊपर जो हैंडपम्प है, हैंडपम्प का ऊपर का ढक्कन, ग्रिल्स, जितने गार्डन है उसके गेट, मतलब आप जो है हर दृष्टि से, और सब कांग्रेस और उसके संरक्षण में है, उन नेताओं के संरक्षण में है, शासन में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में है। आप श्रमिक वर्ग चाहते हैं, आप खुद लाइसेंस बैंक के कर्मचारी रहे हुए हैं, पहले इंटेक यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव संस्था होती थी, बीच में दो बार सीटों के मौका मिला, अभी पहली बार BMS कोई मौका मिला है आपके माध्यम से आपके संस्था से, तो भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के लिए अभी जैसे कि लीज तो एक मुद्दा है ही, उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए? नहीं, लीज कोई मुद्दा नहीं है। लीज को एक मिस्टर परगनिया पिछले समय से जो कांग्रेस के एजेंट है पिछले 10-15 साल से लोगों को गुमराह करके बता रहे हैं, और मैं पहले भी बोला लीज नहीं आएगा, और 5 साल ये देवेंद्र यादव भी बोले थे आएगा, कहाँ लीज आया क्या? तो झूठ बोलना और लूट मचाना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, ये झूठ और लूट की दुकान अब नहीं समझे। ये रजिस्ट्री भी पेपर का रजिस्ट्रेशन है, जो आपने एग्रीमेंट किया है कोई मालिकाना हक नहीं है। अगर रजिस्ट्री की बात करनी है तो हुडको में हमने जो रजिस्ट्री कराया था उस टाइप से कराओ, तब रजिस्ट्री होती है। मेरे को लोन मिला है 35 लाख। और दूसरा जो है हुडको की जो बची हुई रजिस्ट्री, उसके लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, विधायक 5 साल पहले बोले थे कि मैं आऊँगा तो करवाऊँगा, आज वो गायब है, 5 साल हो गया, एक भी रजिस्ट्री हुई तो बता दें। तो ये झूठ बोलना, उधर कुर्सी पार तरफ जाके बोल रहे कि पट्टा लाऊंगा, एक को पट्टा नहीं मिला, तो ना पट्टा है, पट्टा की जगह सट्टा है, हाँ, और जो है कुछ है ही नहीं। तो ये जो परिस्थिति है इसमें 17 तारीख को मतदान होना है, क्षेत्र की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतदान के? क्षेत्र की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव ना करें जो भ्रष्टाचार में आरोपी हो। ये भिलाई की प्रतिष्ठा का बात है, जो नशा और महादेव सट्टा जिनके कार्यकाल में फला फूला हो, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आए। भिलाई की पहचान IITN से होती है, महादेव ID से नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्य है। इसलिए ये जो लड़ाई है कि भिलाई IITN लोगों की पहचान बनेगा या महादेव ID के सरपरस्तों की पहचान बनेगा, इस बात की लड़ाई है।
धन्यवाद पांडे जी, शुभकामनाएं आपको। बहरहाल सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलने और अपनी बातें रखने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। फिलहाल मतदाता सभी प्रत्याशियों की बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं, लेकिन विधानसभा में किस प्रत्याशी को जनता पहुंचाती है इसका खुलासा मतगणना के बाद ही हो सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ संजय दुबे। छत्तीसगढ़ में चुनावी काउंटडाउन के दौरान एक श्रमिक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से राजनीति सियासत तेज हो गई है। मोहला मानपुर में हुए भाजपा नेता बिरजू तराम की हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग के साथ सुपारी किलिंग भी प्रारंभ हो गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता और दमदारी से इस चुनाव में कार्य करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता इस चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। हम लोग सब आहत हैं, छत्तीसगढ़ की जनता आहत है, क्योंकि उन्होंने अपना भाई खोया है। और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पे चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन किसी भी प्रदेश में जब चुनाव का माहौल होता है तो ये लोकतंत्र का महापर्व होता है, सारी ताकत केंद्रित हो जाती है जनता के हाथ में। और ऐसे समय पर सबसे पहले विनम्र श्रद्धांजलि हम अपने भाई को बिरजू तरम, जो हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या कर दी गई है, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी, आखिरी सांस तक लड़ेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि हमारे भाई के परिवार को न्याय भी मिले, त्वरित भी मिले। और ये जो कपटी सरकार है भूपेश बघेल की, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भूपेश बघेल मस्त है, तो मस्त नहीं रहने देंगे। इस प्रेस वार्ता की गूंज उन कानों तक पहुंचेगी जो लूट खसोट भ्रष्टाचार परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भूल गए हैं राजनीति में प्रतिद्वंदी होते हैं, शत्रु नहीं होते। आप हमसे सहमत ना हो, हमारा विरोध करें, हम आपका विरोध करें, ये तो ठीक है, लेकिन हत्या हो जाए और सरकार देखती रहे और मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द ना फूटे तो ये चिंताजनक है। मैं यही कहूंगा, ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब जानते हैं संविधान का ज्ञाता होने के नाते कानून व्यवस्था जो है प्रदेश सरकार का विषय है, प्रदेश का विकास हो ये प्राथमिकता हर सरकार की होनी चाहिए, लेकिन इंसान की जान की अहमियत हो, सुरक्षित रहे जो नागरिक है, ये सुनिश्चित करने का दायित्व किसी का है तो वो प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री का है। और यहाँ भूपेश बघेल पूरी तरह से विफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे भारत में, विश्व में क्या है? जो जनजातीय समुदाय है, जो संस्कृति है, वो कहीं से अगर निकलती है, उत्पन्न होती है, तो वो छत्तीसगढ़ से होती है। और ये बात इंगित करना चाहते हैं हम लोग इस मंच से, एक भाई हमारा मारा गया वो जनजातीय समुदाय से आता है, जनजातीय समुदाय को निशाना बनाया जाए और मुख्यमंत्री मौन रहे तो ऐसे मुख्यमंत्री का बने रहना अपने आप में शर्मनाक है। और मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी, वैसे भी आप कुछ दिन के मेहमान हैं, लेकिन इतनी शर्म करिए, इतनी मर्यादा रखिए। एक नागरिक जो इस प्रदेश का है उसकी हत्या हो जाती है, दो शब्द तो बोलिए, कार्रवाई तो करिए। में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और आज छत्तीसगढ़ की हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है। और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी, उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहां का स्थानीय प्रशासन दोषी है कि यदि इस प्रकार की बात करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना रिपीट नहीं होता।
इसलिए आज मैं आग्रह करूंगा और मैं कल उनके अंतिम क्रिया में फ्यूनरल में सम्मिलित होऊंगा और हम सभी कार्यकर्ता उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। न्यू स्टार सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा उत्सव समिति समिति का 29वां वर्ष वृंदावन की चली झांकियां, साथ ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। न्यू एस विकास समिति वार्ड 22 प्रगति नगर कुरुत भिलाई। आप सभी माता रानी का दर्शन लाभ लेने अवश्य पहुंचे। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पटनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से क्रोएशिया बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुंचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। ग्रैनीसीन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग,
दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मल द्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हां, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच, जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111, 7730777122। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 में शत प्रतिशत मतदान को लेकर भिलाई निगम द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के छठवें दिन बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और घर घर जाकर नागरिकों को मतदान करने का संकल्प दिलाया। जिला निर्वाचन कार्यालय एवं आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर नवरात्र के 9 संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिला समूहों मितानिन एवं नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने आगामी विधानसभा चुनाव में बिना किसी जाति धर्म भाषा के भय लोभ में आए बिना लोकतंत्र के पर्व में शत प्रतिशत मतदान करने का संकल्प लिया। छठवें दिन स्वास्थ्य सेवा में संलग्न रहने वालों को आगामी विधानसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। भिलाई निगम के आजीविका मिशन की महिला समूहों के सदस्यों द्वारा निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर महिला समूह एकत्रित कर मतदान हमारा अधिकार, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई डर और ऊंच नीच जात पात से उठकर स्वच्छ मतदान करने संकल्प दिलाया। साथ ही अपने रिश्तेदार और घर परिवार के सभी मतदाताओं को भी मतदान करने प्रेरित करने की बातें कही। अभियान की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग एवं हमारे आयुक्त श्री व्यास सर के निर्देश पर जागरूकता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान पूरे नगर निगम क्षेत्र में चलाया जा रहा है। नवरात्र के 9 संकल्प के तहत स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को एकत्र करके शत प्रतिशत मतदान आगामी विधानसभा निर्वाचन में डालने के लिए सभी लोगों को संकल्प दिलवाया गया। अंडा चौक में क्रिकेट मैदान में विशाल जन महिलाओं की जन समूह को इकट्ठा कर वहाँ संकल्प दिलवाया गया। शंकर इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ के लोगों को, छात्रों को, युवा छात्रों को भी दिलवाया गया। मेडिकल कॉलेज में लोगों को दिलवाया गया। विभिन्न नर्सिंग होम में भी नर्सों को भी इकट्ठा करके वहाँ 100% मतदान का संकल्प दिलवाया गया। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लोग स्वस्फूर्त, अब सोशल मीडिया इतना तीव्र गति से प्रसारित करता है कि लोग स्वस्फूर्त होके इस बार मतदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग जो पहली बार मतदान करेंगे उनमें अत्यधिक उत्साह देखा जा रहा है। इसी प्रकार सेक्टर 9 स्थित पीजी नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं तथा बैकुंठ धाम मांगलिक भवन में बड़ी संख्या में मितानिनें शामिल हुई और लोगों को मतदान करने प्रेरित किया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन भारतीय मजदूर संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव 3 वर्ष के लिए किया गया। प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के निर्देश एवं साथी मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह की उपस्थिति में भिलाई इस्पात मजदूर संघ कार्यालय में चुनाव संपन्न कराया गया। भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन संबद्ध भारतीय मजदूर संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव 3 वर्ष के लिए प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के निर्देश साथ ही मार्गदर्शन में इसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह की उपस्थिति में किया गया। राष्ट्रीय सचिव भारतीय मजदूर संघ एवं उद्योग प्रभारी राधेश्याम जायसवाल अध्यक्ष एवं रविशंकर सिंह कार्यकारी अध्यक्ष तथा चन्ना केशवलू महामंत्री निर्वाचित हुए हैं। अन्य पदों में 9 उपाध्यक्ष, 10 संयुक्त महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 उप कोषाध्यक्ष एवं 26 सचिव निर्वाचित हुए हैं, जिनमें उपाध्यक्ष इंद्रमणि मिश्रा, दिनेश पांडे, सन्नी पन, शारदा गुप्ता, विनोद उपाध्याय, कैलाश सिंह, सुरेंद्र चौहान, दिल्ली राव, मृगेंद्र कुमार। संयुक्त महामंत्री में वशिष्ठ वर्मा, हरिशंकर चतुर्वेदी, प्रदीप कुमार पाल, उमेश मिश्रा, संजय प्रताप सिंह, जोगेंद्र कुमार, अनिल गजबिये, राज नारायण सिंह, भूपेंद्र बंजारे, गौरव कुमार और साथ ही कोषाध्यक्ष में रवि चौधरी और उप कोषाध्यक्ष में प्रकाश अग्रवाल। सचिव में गंगाराम चौबे, दीनानाथ जायसवाल, संतोष सिंह, जॉन आर्थर, अमित कुमार सिंह, सुदीप सेन गुप्ता, पूरन लाल साहू, मिलाप साहू, नवनीत हरदेल, नागराजू, अरविंद सिंह, राजेंद्र सिंह ठाकुर, संजय कुमार साकुरे, अखिलेश उपाध्याय, अशोक कुमार, प्रकाश सोनी, ए वेंकटरमैया, दीपक मिश्रा, काकुली दत्ता, ग्रीटल बी पॉल, होत्री प्रभाकर वर्मा, सुबोदीप सरदार, प्रशांत कुमार, आर के सोनी है। ये पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के द्वारा जानकारी दी गई है। भिलाई इस्पात मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ से संबंध यूनियन जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत है, इसका आगामी 3 वर्ष के लिए जो है नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें श्री राधेश्याम जायसवाल जी जो भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है। मैं रविशंकर सिंह, मुझे इस यूनियन का जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही हमारे चन्ना केशवलू जी को भिलाई इस्पात मजदूर संघ का महामंत्री नियुक्त किया गया है। साथ में 10 उपाध्यक्ष, 10 संयुक्त सचिव, 26 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष
और एक उप कोषाध्यक्ष, कुल मिलाकर 51 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश भारतीय संघ के अध्यक्ष श्रीमती शोभा सिंह देव के द्वारा 10 सितंबर को की गई है, दस अक्टूबर को की गई है, जो कि आगामी 3 वर्ष के लिए कार्य करेगी। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जितनी भी यूनियन है उसमें संविधान में धारा 32 जो है भारतीय मजदूर संघ का जुड़ा होता है, जिसके अनुसार कोई भी पदाधिकारी या कोई भी सदस्य संस्था के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसे अनुशासन भंग माना जाता है। दूसरा चीज, संस्था के संबंध में कोई भी आपत्ति या कोई शिकायत होने से संस्था के अंदर ही शिकायत करना है, और यदि उसका निराकरण नहीं होता है तो प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय भारतीय मजदूर संघ के समक्ष करना है। इसके अलावा कोई भी सदस्य या पदाधिकारी संस्था का शिकायत या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इस फोरम को छोड़ के दूसरे फोरम में यदि करता है तो धारा 32 की कंडिका 4 के अनुसार उसे अनुशासन भंग माना जाएगा। इसी धारा के अनुसार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के निर्देशानुसार दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 15 दिन बीत जाने के बाद भी उनके तरफ से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। कारण बताओ नोटिस में जो लिखा गया था, यदि आपने कोई जवाब नहीं दिया तो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी स्वीकारोक्ति मानी जाएगी। इसी के तहत वो दोनों को जो है पदाधिकारी और सदस्य से जो है उन्हें निष्कासित किया गया है, और सारी उनके पास भी जितनी भी जो पद था उसको जो है उनको पदमुक्त कर दिया गया है। BMS का जो है मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय मजदूर संघ जो है मजदूरों के द्वारा मजदूरों के लिए और मजदूरों से चलाया जाने वाला संगठन है, जो मजदूरों के लिए जो है काम करता है। इस ये जो संगठन है इसका मतलब राजनीतिक संगठन नहीं है, ये शुद्ध रूप से जो है मजदूरों का संगठन है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए टिकट वितरण को लेकर पक्षपात का आरोप लगाते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष केश चौहान ने कहा कि छन्नी साहू का टिकट सिर्फ इसलिए काटा गया क्योंकि सदन में उसने अपनी आवाज में तल्खियत दिखाई थी। साथ ही भिलाई में किए गए टिकट वितरण को लेकर ED की कार्रवाई की बात कहते हुए प्रत्याशियों को आड़े हाथों घेरा। कांग्रेस ने छन्नी साहू की तो टिकट काट दी क्योंकि उन्होंने जनता के हित में अपने ही पार्टी के खिलाफ सदन में बोला था और ये बोला था कि मैं TS सिंधिया की समर्थक हूं, लेकिन किसी ED के आरोपी की टिकट नहीं काटी। 11 आरोपी बनाए गए थे रानू साहू की जब चार्जशीट पेश हुई तो न्यायालय में, उसमें से 2 विधायक थे। जिस आप बोलेंगे कि चंद्रदेव राय की जो टिकट कट गई है, अरे भाई चंद्रदेव राय जी आज से 2.5 साल पहले दिल्ली की परेड में नहीं गए थे, वो फर्श में बैठ के किसी बड़े नेता के, दिल्ली के बड़े नेता के पांव नहीं पकड़े हुए थे। इस चाटुकारिता के कारण उनको टिकट मिली है। कोई भिलाई की जनता को बहुत ज्यादा उन्होंने समर्पित होकर भाव से उन्होंने काम किया है, इस वजह से टिकट नहीं मिली है। और जो आप जाते हैं आराधना करने के लिए, आपके देवता क्षेत्र वाइज बदलते रहते हैं। कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी अपने देवताओं के अपनी आराधना शैली को बदलते रहती है। जहां भी मुस्लिम वोटर्स 15% से कम है वहां पर आप कांवड़ यात्रा निकालेंगे, वहां पर आप बजरंग बली के मंदिर में जाएंगे, वहां पर तरह तरह के नौटंकियां करेंगे। लेकिन भिलाई की जनता सब जानती है कि आप वोट की राजनीति के लिए ये सब चीजें करते हैं और कुछ नहीं। हुडको स्थित कालीबाड़ी में हर साल की तरह इस साल भी रविन्द्र निकेतन के द्वारा षष्ठी पर माँ दुर्गा की स्थापना की गई है, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर कराए गए। हर साल की तरह इस साल भी बंगाली समाज के द्वारा षष्ठी पर हुडको स्थित कालीबाड़ी में रविन्द्र निकेतन के द्वारा माँ दुर्गा की स्थापना की गई। विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की गई, तत्पश्चात बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए। समाज के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में शामिल रहे, सभी ने एकजुटता के साथ पर्व में हिस्सा लिया।
समिति का नाम क्या है? रविंद्र निकेतन। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा ले। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग, रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
साथ आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सुपेला स्थित आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर में हर साल की तरह इस साल भी आकाशगंगा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा नवरात्र पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या की राम मंदिर की झांकी यहां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हर साल की तरह इस साल भी आकाशगंगा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा आकाशगंगा परिसर में माता दुर्गा की स्थापना की गई। साथ ही अयोध्या की थीम पर बने यहां पर राम मंदिर की झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। प्रतिदिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहां पर की गई। तत्पश्चात शाही भोग भंडारे का आयोजन भी यहां पर किया गया। प्रतिदिन भंडारे में यहां पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन श्रद्धालुओं को परोसे गए। समिति के द्वारा पर्व को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई है। साथ ही आने वाले दिनों में अन्य आयोजन क्या क्या किए जाएंगे इसे लेकर बताया। यहाँ पे 10 दिन के लिए भंडारा चलाया जा रहा है। माता रानी का जोरों शोरों से भंडारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? ये सराफा मार्केट के द्वारा चलाया जा रहा है। हाँ। सराफा व्यापारी लगभग सारे मिलके हाँ। और मोबाइल एसोसिएशन के व्यापारी मिलके ये भंडारा चला रहे हैं। डेली लगभग 3 से 5 हज़ार लोग भंडारा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और डेली नई नई डिशेज बन रही है। आज दावेली है, मालपुआ है, ढोकला है। बहुत ज़बरदस्त लेवल का काम हो रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में भी ऐसा लेवल का काम नहीं होता है। मेरा भी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम इतना बड़ा भंडारा कराने का हो रहा है। बाकी जगह नॉर्मली जैसे खिचड़ी वगैरह बांटी जाती है, नॉर्मली दूसरी चीज़ बांटी जाती है, और यहाँ पे नए नए पकवान बना के बांटे जा रहे हैं। इसको शाही भंडारा का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल, शाही भंडारा का नाम बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और इतने पकवान कहीं पे भी नहीं बनाए जाते हैं। इतिहास है आज तक का कि इतने सारे पकवान यहाँ बनाए जा रहे हैं। आज षष्ठी है, सुबह की आरती हुई है, अभी शाम को फिर आरती है, और हम जिसमें कि महाभंडारे का आयोजन कर रहे हैं अष्टमी को, और अभी रोज भंडारे का आयोजन है। और मतलब हो ये रहा है कि आप रोज रोज भक्तों की भीड़ निरंतर बढ़ ही रही है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हम इतने लोगों को माता रानी का दर्शन करा पा रहे हैं और सबको माता रानी का आशीर्वाद दिला पा रहे हैं। माता रानी से ये कामना है कि पूरे भिलाईवासी आकाशगंगा आएं, एक बार आके यहाँ दर्शन करें सभी और भंडारे का लाभ। ये 22 वर्ष हो गया है यहाँ। आत्माराम जी सालानी का देन था, पापा और आत्माराम सालानी जी मिलके यहाँ पिछले 22 वर्षों से लोग दुर्गा जी माता रानी की स्थापना यहाँ कर रहे हैं आकाशगंगा में। और अब हम जूनियर्स के हाथ में आया तो हम लोगों ने और भव्य लेवल पे इसको लेके गया है। और आशा करते हैं पूरे भिलाई वासियों से कि आप अवश्य आएं। जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है, राम मंदिर अयोध्या का स्वरूप दिया गया है। हाँ। श्रद्धालुओं में कैसा रुझान है, कितना उनको पसंद आ रहा है ये जो थीम आपने रखा है? बहुत ही अच्छा, श्रद्धालु लोग बोल रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पंडाल बनाया है। और मेरे मानने से दुर्ग भिलाई का वन ऑफ द बिगेस्ट पंडाल, क्योंकि जो कलर थीम कॉम्बिनेशन हमने दिया है एज इट इज़, यही सेम आपका राम मंदिर अयोध्या में जो बनने वाला है, जिसका उद्घाटन श्रीमान मोदी जी प्रधानमंत्री करेंगे। माता से यही कामना करते हैं पूरे भिलाई वासियों के लिए कि सब खुश रहें, सबका जीवन अच्छे से निकले, यही कामना करते हैं। दुर्गा उत्सव समिति का यह जो आयोजन किया गया जनता जनार्दन के लिए, सुख और शांति के लिए, कि जनता जनार्दन जहाँ सुख और शांति से रहेगा वहीं व्यापारी वर्ग भी खुश रहेगा, कि हमारे ग्राहक खुश हैं तो व्यापार भी खुश रहता है, दुकानदार भी खुश रहते हैं। माँ दुर्गा का पंचमी का आज दिन है और यहाँ की जनता जनार्दन के लिए महाभंडारा का आयोजन किया गया है। पूरी है, पुलाव है, पनीर की आज सब्जी है और खीर है और ढोकला है। प्रतिदिन व्यापारी संघ दुर्गा उत्सव समिति प्रतिदिन यह जो भंडारा का जो आयोजन है एक एक आइटम चेंज करते रहती है। आइटम चेंज करके यह महाभंडारा का आयोजन किया। प्रतिदिन लगभग 5,000 लोगों का प्रसाद ग्रहण होता है। और यह जो मंदिर बना है अयोध्या के राम मंदिर का स्वरूप दिया गया है, जो पंडाल के रूप में है, कोशिश किया गया है क्योंकि राम अयोध्या मंदिर तो अभी बन रहा है नया स्वरूप, लेकिन उसका भी यहाँ स्वरूप दिया गया है। ये व्यापारी संघ की एकता का यह प्रतीक है। और यह जो भंडारा किया जा रहा है कि सब लोग एक प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं, यही हमारी व्यापारियों का एकता का प्रतीक है। और यह प्रति वर्ष यह आयोजन आगे भी चलता रहेगा। बहरहाल समापन पर भोग भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।
युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी दशहरा पर्व भव्यता से मनाया जाएगा। समिति के 28वें वर्ष में विभिन्न आयोजन कराए जाएंगे। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विभिन्न स्थानों पर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के द्वारा भव्यता से दशहरा पर्व का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि समिति का ये 28वां वर्ष है। इस 28वें वर्ष में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रमुख आकर्षण हिंदू स्वर सामग्री सुप्रसिद्ध गीत हर हर भगवा की प्रख्यात गायिका सुश्री लक्ष्मी दुबे के द्वारा यहाँ पर भव्य संगीतमय संध्या की प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही 60 फीट ऊंचे रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के साथ 40 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया जाएगा। इसके साथ ही काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश की सुप्रसिद्ध आतिशबाजी भी आकर्षण का केंद्र होगी। साथ ही साथ आईपीएल स्तर की इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी भी यहां पर शहरवासियों को खूब लुभाएगी। हर साल की तरह इस साल भी यहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है। लगभग 18,000 सोफे कुर्सियां यहां पर लगाई जाएगी। साथ ही साथ गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी निश्चित की जाएगी। साथ ही गेट पास और वीवीआईपी पास भी यहां पर धारकों के लिए दिए जाएंगे। सेक्टर 7 ग्राउंड में भव्यता से आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने मीडिया को दी है। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल द्वारा विगत 27 वर्षों से सेक्टर 7 हाई स्कूल दशहरा मैदान में भव्य दशहरा पर्व का आयोजन हम लगातार करते आ रहे हैं। इस 28वें वर्ष भी भिलाई दुर्ग की सम्माननीय जनता के आशीर्वाद और सहयोग से हम बड़ा और भव्य दशहरा पर्व करने जा रहे हैं। 24 अक्टूबर शाम 7 बजे से दशहरा पर्व का आयोजन रखा गया है। 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला, 40 फीट ऊंचा कुंभकर्ण, 40 फीट ऊंचा मेघनाथ का पुतले का दहन के साथ आंध्र प्रदेश काकीनाडा का सुप्रसिद्ध आतिशबाजी एवं आईपीएल स्तर की आकाशीय आतिशबाजी का प्रदर्शन हम रखे हैं। साथ में राष्ट्रभक्ति गायिका सुश्री लक्ष्मी दुबे जी का कार्यक्रम रखे हैं, जो हर घर भगवा लहराएगा गायिका है, जो उनकी पूरी टीम द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 7 से 10 बजे तक उनकी प्रस्तुति दी जाएगी। हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्र के पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, आदरणीय सुश्री सरोज पांडे जी राज्यसभा सांसद, आदरणीय विजय बघेल जी दुर्ग लोकसभा के सांसद, और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संरक्षक, जो लगातार 28 वर्षों से हमको सहयोग करते आ रहे हैं, आदरणीय नवीन केडिया जी, केडिया ग्रुप के वाइस चेयरमैन, और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सलभ केडिया जी, श्री रिकेश सेन जी, श्री संजीव फतेहपुरिया जी, श्री श्याम कुमार मूर्ति जी उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में। मैं भिलाई दुर्ग की सम्माननीय जनता से निवेदन करता हूं, आइए इस भव्य दशहरा पर्व में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी भव्यता के साथ युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ग्रहण एसी न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। दुर्गा पंडाल सेक्टर 6 कालीबाड़ी में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के कार्यक्रम में विहिप के शहर अध्यक्ष राजीव चौबे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीप प्रज्वलन के पश्चात पूजा अर्चना उन्होंने की। भिलाई शहर के सबसे प्रतिष्ठित पंडाल में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होना उन्होंने गौरव का विषय बताते हुए कहा कि शहर के सबसे बड़े दुर्गा पंडाल में शामिल होना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। इस विशिष्ट सम्मान के लिए विहिप के शहर अध्यक्ष ने कालीबाड़ी के अध्यक्ष संजय दत्ता और समस्त कार्यकारिणी का हृदय से आभार जताया।
इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।